व्हीलर्स पे ट्रैवल करना मुझे लगता है एडवाइजेबल है उस दौरान, खासकर लोकल लोगों के लिए, ताकि उनका समय भी वेस्ट ना हो। पार्किंग प्लेसेस और मैच का जो स्टेडियम है उसके बीच में शटल बसेस ऑर्गेनाइजर्स द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जाएंगी। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के 5 मैच धर्मशाला में खेले जाएंगे। 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कप का धर्मशाला में पहला मुकाबला बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच होगा। इसी के चलते बांग्लादेश की टीम आज धर्मशाला पहुंच गई है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसपी शालिनी अग्निहोत्री ने पत्रकारों से बातचीत। देखिए, इस संबंध में जो मीटिंग ऑलरेडी एक ऑल डिपार्टमेंट मीटिंग ऑलरेडी हो चुकी है, और ये वाले इश्यूज जो हैं कंसर्न्ड एजेंसीज एनएचएआई हो या स्टेट पीडब्ल्यूडी हो, उनको मार्क कर दिए गए हैं। और कुछ जगह उन्होंने कुछ डेडलाइंस इशू करी हैं कि वो जो यथासंभव इम्प्रूवमेंट हो सकती है रोड कंडीशन में वो करेंगे। लेकिन जैसे वेदर एक ऐसी चीज़ है जिस पर हम में से किसी का कंट्रोल नहीं है, तो ये एक चैलेंज डेफिनेटली आप ठीक कह रहे रहेगा। और मैक्लियोडगंज का वैसे भी जो रूट्स हैं उसमें बाईपास रूट को छोड़ के अन्य जो सभी दोनों रूट्स हैं उसमें हमारे लिए चैलेंजेस हैं, तो उसको रिकवरी के लिए रिक्वेस्ट की गई है। और हम उनसे जैसे पीक पीरियड आएगा उससे पहले जो है जॉइंट जो है टीम्स जो दोबारा उस एरिया का मुआयना भी कर लेंगे, और यदि रोड्स कम्प्लीटली फिट हैं टू वे ट्रैफिक के लिए अकॉर्डिंगली हम चलेंगे, अदरवाइज वे आउट निकालते हुए वन वे प्लान्स जो है सिर्फ मैक्लोडगंज और धर्मशाला के बीच में वन वे प्लान्स जहाँ ज़रूरत है वो हम इनिशिएट करेंगे। अगेन दोबारा मैं ये कहना चाहूँगी कि फिर से आप ही के माध्यम से पब्लिक में हम इसको इन्फॉर्मेशन को शेयर करेंगे। देखिए, विशेष पासिस की ज़रूरत जो है फील नहीं हुई है। वन वे प्लान जो है जिस तरह से रेगुलर वन वे मैच के दौरान चलना है वो लोकल लोगों के लिए भी वही वन वे हम एप्लीकेबल रखेंगे। और टू व्हीलर्स जैसे कि पहले रहा है, टू व्हीलर्स जो है उनका मूवमेंट किसी भी प्रकार से हम रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे। तो टू व्हीलर्स पर ट्रैवल करना मुझे लगता है एडवाइजेबल है उस दौरान, खासकर लोकल लोगों के लिए, ताकि उनका समय भी वेस्ट ना हो और ट्रैफिक कंजेशन में भी हमें सहायता हो पाए। बिल्कुल, यदि आपने लास्ट टाइम T20 मैचेस कवर किए होंगे तो आपने देखा भी होगा कि कंट्रोल वे में, स्टैगर्ड वे में ये मूवमेंट अलाउ की जाएगी और एक ही डायरेक्शन में करवाई जाएगी, ताकि जो है पैदल जो लोग चल रहे हैं और क्रॉस जो मूवमेंट्स हैं मिनिमम हो। लेकिन जैसे कि शहर का जो नक्शा है, हमें एक दो पॉइंट्स पर क्रॉस मूवमेंट देना ही पड़ता है, तो उसको किस तरह से कंट्रोल करना है, स्टैगर्ड वे में कैसे ले जाना है और कितनी गाड़ियाँ एक समय पर छोड़नी है, उसका फीडबैक जो लाइव जो हमारे जो वायरलेस सेट्स हैं उनके माध्यम से हम जो टीम्स हैं आपस में शेयर करती रहती हैं, और उसी के हिसाब से जो गाड़ियाँ छोड़ी जाएंगी। और जैसे मैंने पहले कहा कि यदि हमारे शहर में 25,000 एक्स्ट्रा लोग आ रहे हैं और करीब 7-8,000 एक्स्ट्रा व्हीकल्स आ रहे हैं, जो शहर की पॉपुलेशन करीब 50,000 है, तो हम 1,00,000 पॉपुलेशन से उस दिन डील कर रहे हैं और लगभग जो है 20,000 व्हीकल से उस दिन डील कर रहे हैं। तो उसमें यदि हम, हमारा टारगेट है कि हम 1 घंटे के अंदर शहर को क्लियर करें विद रिस्पेक्ट टू ट्रैफिक, तो अगर हम उसको अचीव करते हैं मुझे लगता है ये सक्सेसफुल डे हम उसको मानेंगे। पार्किंग प्लेसेस और मैच का जो स्टेडियम है उसके बीच में शटल बसेस ऑर्गेनाइजर्स द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रोवाइड करवाई जाएंगी। ये बसेस को स्पेसिफिकली मार्क किया जाएगा ताकि पब्लिक को क्लैरिटी रहे कि ये शटल बसेस मैचेस के लिए हैं, तो उसका प्रावधान ऑर्गेनाइजर से मिलकर किया गया है। स्पेसिफिकली स्टेडियम से लेके बस स्टैंड तक, स्टेडियम से लेके दाढ़ी जोरावर तक, और स्टेडियम से लेके शहर के अंदर जो सर्किट हमने बनाना है शटल बसेस का, उसको जो है बनाया जाएगा।